जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में चल रही आतंकी गतिविधियों के दौरान आज सुबह फिर शहीद हुए चार जवानों में से एक जवान रेवाड़ी जिले के राजगढ़ गांव का भी रहने वाला है। करीब 25 वर्षीय हरि सिंह साल 2011 में ही सेना में तैनात हुआ था, जो कि आज सुबह शहीद हो गया। ये खबर जैसे ही आज सुबह गाँव में पहुँची तो ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ये तो गर्व तो है, हम पूरा परिवार हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब आर्मी से कोई सीआरपी से थे जी। तो गर्व तो है कि हम हमारे जो भाई का लड़का है, चाचा लड़का है, वो देश के लिए शहीद हुआ है। ये तो गर्व है, पर दुख भी है कि इतने इतने कैजुअल्टी होता है, कुछ दिन बात करते हैं फिर वैसे चुप हो जाते हैं, कोई आगे एक्शन नहीं हो रहा है। कब भर्ती हुआ था सेना में? वो 2011 में भर्ती हुआ है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? उनके तीन बहनें हैं, दो बड़ी बहन है उससे, एक उससे छोटी है, वो शादी हो गई है, उसको एक बच्चा हुआ अभी 1 साल का है। कब हुई थी शादी? शादी अभी हुई है 16 में। किस पद पर तैनात थे हरि सिंह? अभी नायक बन गया था, अभी आया था मेरी भाई, मैं अभी नायक बन गया जी। अब पहले छुट्टी कब आया था? अभी ये 28 दिसंबर को छुट्टी काट के गया है, 1 महीने की आया था। तो लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया तो है जी? अभी जैसे हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये तो करता ही रहता है, पर इसको सबक नहीं सिखा रहे हैं कुछ। हम ये नहीं कहते कि सीधा युद्ध करो, वो करो, तो दोनों तरफ के कुछ ऐसी तो करो कि उनको कुछ सबक, उनको कुछ रास्ता हो कि उनको वो सही समझे। आपकी तरफ से किस तरह की मांग करेंगे? मैं तो ये कहूँ जी, आर पार तो कह रहे दोनों तरफ का नुकसान, कुछ ऐसी उनको ऐसा नुकसान पहुंचा जाए ताकि वो पछताए बुरी तरह से कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसी निर्दोष को मारना ये अच्छी बात नहीं होता जी। छुट्टी काट के गए थे सीआरपी वाले, उनके क्या दोष था? शहीद हो जाते हैं बेचारे, नाम शहीद हो गया, ये हो गया, पर कितनी वो है, आगे उनकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम तो ये बोलते हैं कुछ तो उनको प्रतिबंध लगाओ, जैसे भी प्रतिबंध लगता है उन पर। आपको कब सूचना मिली? ब्रेकिंग आती है उस न्यूज में, उसमें उसका नाम भी आया है। आपको टीवी देख के पता चला? हाँ, टीवी देख के पता चला, और एक गांव का एक लड़का था, वो जो एसडीओ का स्टेनो है, तो उसके पास पहले फोन आया था, उसने भी बताया और उस टीवी में भी देखा।